एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 1 अक्टूबर सन 2000 को बहन कुमारी मायावती को अमेरिका के एक संस्थान पेरियार इंटरनेशनल द्वारा क्यों दिया गया था के वीरामणी अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह विस्तार से एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब साहब कांशीराम कुमारी मायावती बहुजन स्वाभिमान बसपा। बहन कुमारी मायावती जब 1995 और 97 में दो बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश की उस जनता के लिए भलाई के लिए जो काम किए गए, महापुरुषों के सम्मान में जो काम किए गए, उन कामों की ख्याति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, वो पूरे भारत के हर कोने में पहुंची। बहुजन समाज के जो लोग थे भारत के, चाहे किसी कोने में रहते थे, उनका मान सम्मान और स्वाभिमान और मनोबल उस कारण से बहुत ज्यादा बढ़ा। ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, जो बहन कुमारी मायावती ने काम किए वो बात विदेशों में भी, जो भारतीय लोग विदेशों में बस रहे थे बहुजन समाज के लोग, वहां तक भी ये जो सामाजिक परिवर्तन की जो लहर शुरू हुई उत्तर प्रदेश में 1995 और 97 में, खास करके 4.5 महीने और 6 महीने के शासनकाल में जो सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट की जो लहर शुरू हुई वो विदेशों तक पहुंची। इस कारण अमेरिका में एक संस्थान है पेरियार इंटरनेशनल सेंटर, जो पेरियार रामास्वामी नायकर के कामों को दुनिया भर में आगे बढ़ाने का काम करता है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में जो शुरू किया था, वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी ने भी जब 1984 में बनाई तो हमेशा पेरियार रामास्वामी नायकर का ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, साहब काशीराम अक्सर इसकी बात किया करते थे, बहन कुमारी मायावती अक्सर इसकी बात किया करते थे। तो ये जब मिला और 1995 में जब सरकार बनी 4.5 महीने की, तो उस समय 17 और 18 सितंबर को दो दिन लगातार वहां उत्तर प्रदेश में पेरियार मेला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम द्वारा दो दिन का पेरियार मेला आयोजित किया गया था। और भी मेले लगाए गए थे, साहूजी महाराज मेला लगाया गया था, महात्मा ज्योतिबा फुले मेला लगाया गया था, सभी महापुरुषों के नाम पर मेले लगाए गए थे। तो ये बात जब अमेरिका पेरियार सेंटर इंटरनेशनल सेंटर अमेरिका को पता लगी तो अमेरिका से वहां चल करके आए वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड एथिकल यूनियन के लंदन के अध्यक्ष श्री लेवी फ्रेगिन, इस अवार्ड कमेटी के मुख्य डॉक्टर लक्ष्मण एस तमिल, श्री चंद्रजीत यादव एवं श्री के वीरामणि, ये लोग लंदन से और अमेरिका से चल के आए। और इन्होंने समारोह दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के बामनोली गांव में पेरियार सेंटर है, वहां पे समारोह हुआ था। उस समारोह में दिल्ली से बहुत सारे लोग गए थे, मैं भी उस समारोह में मौजूद था, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई थी उस समय जब अमेरिका से पेरियार सेंटर के लोग बहन कुमारी मायावती जी को सम्मानित करने आए थे। तो उस जन समुदाय को संबोधित करते हुए जो वीरामणि जी थे, जिन्होंने समारोह में उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए बहन कुमारी मायावती के जो कार्य किए गए उन कार्यों के बारे में संबोधित किया, और समारोह में पेरियार मूवमेंट के समर्थक दिल्ली एवं तमिलनाडु से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, वो सब उपस्थित थे। साहब कांशीराम भी इस समय मौजूद थे इस अवसर पर, उन्होंने पेरियार मूवमेंट को सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के
नाम से जाना जाता है, ऐसा साहब कांशीराम ने बताया। और साहब ने कहा कि पेरियार मूवमेंट का उन्होंने काफी अच्छी तरह अध्ययन किया और उससे बहुत प्रभावित हुए, इसी कारण आंदोलन में बहुत सारे महान पूर्वज जैसे हमारे जो हुए महात्मा फूले, ज्योतिबा राव फूले, साहू जी महाराज, नरेना गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर, इन सभी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, इन सभी ने मनुवादी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके विरोध में अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से साहस के साथ में जो संघर्ष चलाए थे। और इसी आंदोलन का उद्देश्य समाज के, इन सभी आंदोलन का उद्देश्य समाज के बड़े वर्ग जिसको बहुजन समाज बोलते हैं, उनमें मान सम्मान और स्वाभिमान उनमें पैदा करने का उनका काम था। और जिसे आज हम बहुजन समाज कहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी, साहब कांशीराम ने कहा कि आज उस मूवमेंट को, जो सेल्फ रेस मूवमेंट था, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उस मूवमेंट को चला रहे हैं, ये भी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का एक हिस्सा है। श्री वीरामणि जी सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, क्योंकि जब पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो मूवमेंट चलाया था वो भी सिर्फ तमिलनाडु नहीं, दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी चलाया था। पेरियार रामास्वामी के बाद इस मूवमेंट को, उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी ने उस मूवमेंट को चलाया था, और उसके बाद जो के वीरामणि थे उन्होंने इस मूवमेंट को ईमानदारी के साथ चलाया था और देश में और विदेशों में भी इसको पहुंचाने का काम किया था। साहब कांशीराम ने उस समय कहा कि मैं इस कार्यक्रम में जो भाग लेने आया हूं, जिसमें मायावती को वीरामणि अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो साहब ने कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो मायावती ने बहुत हमारा सहयोग किया था पेरियार मेला लगाने में, आयोजित करने में, लखनऊ में बहुत सहयोग दिया था। और साहब कांशीराम ने कहा कि पेरियार मेला के साथ साथ में डॉक्टर अम्बेडकर मेला, महात्मा फूले मेला, साहूजी मेला और इस तरीके से कई मेले जो लगाए थे, तो साहब कांशीराम ने कहा कि मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए इन सारे आयोजनों में हमारा बहुत ही सहयोग किया था, इसलिए मायावती इस अवार्ड की सच्ची हकदार हैं, जो कि अमेरिका से पेरियार इंटरनेशनल सेंटर से लोग चल करके वहां आए थे। इस समय बहन कुमारी मायावती ने कहा कि उन्होंने खास तौर से श्री के वीरामणि जी, जो कि पेरियार के देहांत के बाद मूवमेंट को चला रहे थे, उनका खास धन्यवाद किया। और जो उन्होंने कहा कि जो स्थापना दिल्ली में की गई है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों को सामाजिक और आर्थिक समाज से बहुजन के हित में जो काम करेगा इस सेंटर द्वारा किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जैसा सभी को मालूम है, पेरियार रामास्वामी नायकर ने मनुवाद के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया था और दलितों पिछड़ों को जो गुलाम और लाचार करके रखा था उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला करके जीवन पर्यंत उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। और कांग्रेस पार्टी में भी रहे थे पेरियार रामास्वामी नायकर। 1925 में एक अधिवेशन था कांजीवरम अधिवेशन में, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा बात करती थी गांधी और कांग्रेस हरिजन उत्थान की, इनके करने की, तो इसलिए रामास्वामी नायकर ने उस अधिवेशन में पिछड़े और शेड्यूल्ड कास्ट के शोषितों के आरक्षण के मुद्दे को उठाया था। तो उस समय कांग्रेस के सभी लोगों ने, सभी पदाधिकारियों ने जो वहां मौजूद थे, बहुत तीव्र विरोध किया था और इतना विरोध किया था कि पेरियार रामास्वामी नायकर को वो अधिवेशन बीच में छोड़ करके जाना पड़ा था। तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस छोड़ दी और ये कहा कि गांधी एंड कंपनी जो कांग्रेस चला रहे हैं ये सब मनुवाद के पोषक हैं, ये सिर्फ ढोंग करते हैं, बहुजन समाज या पिछड़े समाज के लोगों की भलाई का सिर्फ ढोंग करते हैं, काम नहीं करते। उसके बाद उन्होंने अपनी
पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी के नाम से बनाई, जस्टिस पार्टी बनाई, बाद में जिसे द्रविण कगजम का नाम दिया गया, और इसके माध्यम से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार रामास्वामी नायकर ने शुरू किया, जो कि दलितों और पिछड़ों को पूरी बराबरी और आत्मसम्मान स्वाभिमान देने का जिसने काम किया। वीरामणि जी बाहर के लोगों की भी जो समन्वय रखते थे, जो लोग विदेश में चले गए उनके साथ भी बाहर के जो सेंटर चलाते हैं उनसे समन्वय रखते थे। और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे और भी जो महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले हुए, साहू जी महाराज हुए, नरेना गुरु हुए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और भी सारे महापुरुषों से, उन्होंने बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इनसे मैंने अपने आप को, इनके संघर्ष को देख करके मैंने अपने आप को तैयार किया है। और जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दो बार के शासन काल में जो हमने काम किए हैं, इन्हीं सब महापुरुषों की प्रेरणा लेकर के ये सारे काम किए हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने इस मौके पर बाबा साहब की वो बात भी याद दिलाई जिसे बाबा साहब कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, के राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश से इसे आगे बढ़ाना है, तो फिर हमें सत्ता की चाबी, केंद्र में भी सत्ता की चाबी लेनी पड़ेगी, ताकि उस सत्ता की चाबी लेके सत्ता में आकर के हम बहुजन समाज के कि पार्टी के माध्यम से इस काम को, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का काम पेरियार साहब ने शुरू किया था, इसको पूरे देश में चला सकें और बहुजन समाज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का फायदा लेकर के अपने आप आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बन सके। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस और मनुवादी सभी सरकारों पर भी ये आरोप लगाया कि उन्होंने देश की आजादी के लंबे शासन काल में रहने के बाद भी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों का कभी कोई सम्मान नहीं किया, ना कहीं कोई मूर्ति लगाई या उनके नाम पर कुछ भी करने का काम नहीं किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई तो फिर जो बहुजन समाज के महापुरुष थे जिन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन बहुजन समाज के संघर्ष के लिए, उनके उत्थान के लिए लगाया, ऐसे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का पूरा पूरा सम्मान दिया, उनके नाम पर जिले बनाए, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाए, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाए, उनके नाम पर बड़े बड़े स्मारक और पार्क बनाए, और सभी के नाम पर तरह तरह के मेले जगह जगह पर लगाए। तो ये जो सम्मान महापुरुषों को मिला, इससे बहुजन समाज के हर अंग को, चाहे वो ओबीसी था, चाहे वो दलित था, चाहे वो कुर्मी था, चाहे वो माली था, चाहे वो धोबी था, सभी को एक गौरव की अनुभूति हुई कि उनके महापुरुषों का सम्मान हो रहा है। तो इसलिए जब बाकी जितने मेले लगाए कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, लेकिन जब पेरियार का मेला लगाया तो बीजेपी और कांग्रेस को भारी इसकी तकलीफ हुई और उन्होंने भारी विरोध किया, क्योंकि उस समय बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी, तो बीजेपी ने भी इसका बहुत विरोध किया था। और लखनऊ में ये मेला 17 और 18 सितंबर 1995 को लगाया गया था, बीजेपी नहीं चाहती थी। तो इस जो सरकार बहन जी ने गिराई थी उनमें एक ये भी एक अहम कारण था, बीजेपी चाहती थी कि जो जो बाबरी मस्जिद है वहां पे अपना कुछ काम करे, उसके साथ साथ में जो बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद थी श्रृंगार गौरी के अभिषेक के बहाने, वहां उसे गिराना चाहते थे। इसी तरीके से मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के साथ में थी उसको गिराना चाहते थे। बहन कुमारी मायावती ने उनकी उस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। उसके बाद तीसरा कारण महत्वपूर्ण रहा कि जब बहन कुमारी मायावती ने पेरियार मेला लखनऊ में लगाया तो फिर बीजेपी
का सब्र टूट गया और बीजेपी ने सोच लिया कि इस तरीके से अगर मायावती काम करती रही तो फिर ये मनुवाद को उखाड़ के फेंक देगी और बहुजन समाज के महापुरुषों की इतनी सारी लगा करके तो बहुजन समाज के लोगों में एक मान सम्मान एक जोश पैदा हो जाएगा तो आगे हटाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने तरह तरह के अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए, शर्तें थोपनी शुरू कर दी, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने वो कोई शर्त नहीं मानी। उन्होंने अपनी कुर्सी को लात मार दी लेकिन वो दबाव में नहीं आई, झुकी नहीं, और इस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो बहुत सारे फैसले लिए गए वो उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी कीर्ति उनकी ख्याति उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, वो देश के हर कोने में गई, हर प्रदेश में गई, पूरे बहुजन समाज में गई और यहां तक कि विदेशों में भी गई। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने उनका धन्यवाद किया कि पेरियार सेंटर यूएसए अमेरिका की ओर से जो बहन कुमारी मायावती को जो वीरामणि सोशल जस्टिस अवार्ड प्रदान किया गया है। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इससे मेरा हौसला तो बढ़ा ही है, साथ ही मुझे ये जिम्मेवारी भी लगता है कि आ गई है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पेरियार जी तथा अन्य महापुरुषों के बताए गए रास्तों पर चलकर सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करती रहूं और तेजी से काम करती रहूं। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण थे उस समय जब बहन कुमारी मायावती को अमेरिका से चल करके आए पेरियार इंटरनेशनल सेंटर के पदाधिकारियों ने सोशल जस्टिस वीरामणि सोशल जस्टिस अवार्ड प्रदान किया। तो उस समय हम बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत गौरव की छड़ी थी, मैं भी मौजूद था और दिल्ली के बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डीएस फोर के पदाधिकारी भारी तादाद में वहां मौजूद थे। आज बस इतना ही, और मैं निवेदन में धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जिन्होंने ये सीरीज प्रसारित कर रहे हैं जे बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने किस किस तरीके से संघर्ष किया, कैसे कैसे सत्ता और शासन में पहुंचे, सत्ता में आकर के किस तरीके से सरकार चलाई, किस तरीके से आयरन लेडी और शेरनी के खिताब मिले बहन कुमारी मायावती को। ये इस तरीके के कारण थे कि बहन जी हमेशा एक शेरनी की तरह काम करती रही, बीजेपी के समर्थन से सरकार रही लेकिन कतई दबी नहीं, घबराई नहीं, उनके आगे कभी झुकी नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और नौजवानों से विशेष निवेदन के साथ कि जो बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट यहां तक चला है इसलिए मेरा निवेदन है कि वो देखते रहें बहुजन एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बहन कुमारी मायावती का संघर्षों का सफरनामा, बाबा साहेब काशीराम और कुमारी मायावती बहुजन स्वाभिमान बसपा, प्रतिदिन शाम को 6 बजे एसएम न्यूज। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।